बादाम क्या क्या फायदा करता है, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए? बादाम थायराइड, पीसीओडी, हेयर फॉल, स्किन एसिडिटी, हाई बीपी, डायबिटीज और ना जाने किन किन बीमारियों में क्या क्या फायदा करता है, आइए वन बाय वन जानते हैं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर गुरवीक, फाउंडर डाइट कोको, हेल्थ एंड वेलनेस स्पीकर। सबसे पहले बात करते हैं कि बादाम आपके हेयर फॉल में कैसे काम करता है। बादाम में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ई होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं और मैग्नीशियम का भी भरपूर स्रोत है जो आपके बालों को हाइड्रेट करने का काम करता है। अगर आपके सिकरी की प्रॉब्लम है, डैंड्रफ रहता है, रूसी रहती है अगर आपके सिर में, तो उसको भी ये कम करने का काम करता है। जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, इट मीन्स उनके बालों को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, प्रॉपर ब्लड के थ्रू सप्लाई नहीं मिल रही, तो बादाम ये सारे के सारे आपकी प्रॉब्लम ठीक करने का दम रखता है। जो पेशेंट हाई बीपी की टेबलेट्स खा रहे हैं, जिनका अक्सर ब्लड प्रेशर बड़ा रहता है, डी रेंज रहता है ब्लड प्रेशर बीपी, उनको बादाम जरूर खाना चाहिए। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम होता है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग 30 ग्राम बादाम की गिरियों में 208 ग्राम पोटाशियम होता है। जैसे आपकी बॉडी में पोटाशियम की अमाउंट बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में सोडियम की अमाउंट कम होगी। जैसे सोडियम कम होगा तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। बादाम थायराइड पेशेंट्स के लिए वरदान है। इसमें दो बहुत अच्छे कंपोनेंट पाए जाते हैं। पहला कंपोनेंट है सेलेनियम और दूसरा कंपोनेंट है मैग्नीशियम। और ये दोनों कंपोनेंट आपके थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ही कारगर है, बहुत ही जिम्मेदार माने जाते हैं। तो आपको अपनी डाइट में बादाम को जरूर इंक्लूड करना चाहिए अगर आप किसी भी किस्म के थायराइड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। आजकल स्किन से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, हर किसी में एलमंड ऑयल का यूज होता है, चाहे वो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है या शैम्पू है या त्वचा से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट। आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, बादाम में B2 और B3 की बहुत अच्छी अमाउंट होती है। इसके साथ इसमें कॉपर भी बहुत अच्छी अमाउंट में होता है, जो आपकी स्किन की हाइपर पिगमेंटेशन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके साथ इसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड है जो आपकी ड्राई स्किन की प्रॉब्लम को ठीक करता है। इन फीमेल्स को हार्मोन इम्बेलेंस बार बार हो रहा है, जिनको पीसीओडी की अक्सर काफी लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही है, उनके लिए बादाम खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट होती है जो आपके बढ़े हुए टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करती है, आपके हार्मोन इम्बेलेंस को ठीक करती है। और पेशेंट का अक्सर ये सवाल रहता है हमसे, हमारे डाइटिशियन से, कि उनको बादाम कैसे खाना है, कितने अमाउंट में खाना है। जो लोग डायबिटिक हैं, शुगर पेशेंट हैं, वो सुबह खाली पेट 1 से 2 भिगी हुई बादाम की गिरियां खा सकते हैं। बादाम में कुछ ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो इंसुलिन प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। अगर आप इंसुलिन सेंसिटिव हो या इंसुलिन रेजिस्टेंट हो तो उसकी प्रोडक्शन को भी ये बढ़ाएंगे। और ये लो कैलोरीज नट्स होने के कारण एकदम से आपकी ब्लड ग्लूकोज को बढ़ने से भी रोकता है। तो बादाम डायबिटिक पेशेंट के लिए सेफ है। जिन लोगों को एसिडिटी रहती है, उनकी ये शिकायत होती है कि भाई बादाम तो गर्म है, हमें नहीं खाना। अरे भाई, बादाम गर्म है अगर आप इसको सूखा खाते हैं। अगर आप भिगा हुआ बादाम खा रहे हैं तो ये गर्म नहीं है, तासीर में ठंडा होता है, तासीर में ये अल्कलाइन बन जाता है। तो आप भिगा हुआ 2 से 3 बादाम अपनी जरूरत के अनुसार खा सकते हैं। अगर आप हमारे डाइटिशियन से या हमसे कोई भी हेल्थ रिलेटेड कोई कंसल्टेशन चाहते हैं, अगर आपको डाइट प्लान की जरूरत है, तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए, हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, हमारे डाइटिशियन से कनेक्ट कीजिए, या डायरेक्ट भी आप फोन के थ्रू आप हमारे डाइटिशियन से बात कर सकते हो। इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक सुनने के लिए, बार बार सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक कीजिए, बेल बटन दबाइए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको ये वीडियो दोबारा फिर मिल सके।